नमस्ते कैसे हो आप लोग आई होप आप सब अच्छे होंगे मैं भी अच्छी हूँ तो आज का वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है मतलब सच में मुझे कोई लाइन सोचती नहीं है मैं यही बोलती हूँ हाँ तो आज मैं आपके सामने आ गई हूँ एक नया वीडियो लेके तो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी मेरे थ्री टू रूम सेट का होम टूर ठीक है और ये मैं आपको बताऊंगी कि फॉरेस्ट कॉलोनी में है मेरा घर तो फॉरेस्ट क्लोनी के क्वार्टर्स कैसे होते हैं गवर्नमेंट क्वार्टर मिला है पापा को तो फिर मैं आपको बताऊंगी गवर्नमेंट क्वार्टर्स कैसे होते हैं तो चलो वीडियो स्किप मत करना पूरा एंड तक देखना और अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में आइकन को भी प्रेस कर दे प्लीज़ प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर करें तो चलो शुरू करते हैं वीडियो लेट्स गेट स्टार्टेड ये है मेन डोर यहाँ से चलते हैं अब हम अंदर ठीक तो अब चलो चलते हैं पहले तो आप दरवाजा देख लो मेरा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के दरवाजे ऐसे ही होते हैं गवर्नमेंट क्वार्टर्स के यही कलर होता है इनमें अब हम जाएंगे अंदर तो यहाँ पर मैट बिछा हुआ है और ऊपर बिछा है ये ग्रीन ग्रीन जैसे कलर के छोटे छोटे वो जो भी बोलते हैं इनको मैट ही बोलते हैं वैसे तो और यह है टॉयलेट और यह है बाथरूम तो यहाँ से जाएंगे अब हम अंदर को और ये है ममा पापा का रूम ये सबसे पहले पारी है ये टीवी ये बहुत पुराना टीवी है ये ये जब मैं फर्स्ट सेकंड में थी तब लाए थे चाचू हमारे छोटे चाचू ने लिया है ये, ये टीवी बहुत पुराना है ये अरे भैया ने कलाकारी की है अलमारी पे अरे मम्मा की मशीन है अरे पापा के कपड़े लटके जा रो और।, और आपको पता ही है हमारे पोस्टर्स तो होते हैं लगे दीवार पे देवी देवताओं के क्योंकि हम बहुत मानते हैं और अब आएगी पूजा घर की बारी ये मेरा छोटू सा हमारा मंदिर है मंदिर है मंदिर मंदिर है और ये है पापा की अलमारी अब हम जाएंगे यहाँ से वापस पापा के कपड़े कपड़े लटके हुए और ये है मेरा बेड ये कार्टन्स और ये जो पार दिखाई दे रहा है ना आपको ये मैंने बनाया है बताना मुझे कमेंट करके कि मैंने कैसा बनाया मैंने खुद बनाया है ये ये लॉकडाउन में पिछले लॉकडाउन में बनाया था मैंने ये देखो पुम्पड़ू और एक गणपति पापा कार्ड में थे और उन्होंने कार्ड में से निकाल के लगा दिए इधर पिंक पिंक कर्टन्स में ये कितना अच्छा लग रहा है गर्ल्स कैन डू एनी ये लिखा है पार और ये है पेंटिंग अब हम यहाँ जाएंगे अंदर ये है किचन पार माइक्रोवेव है और ये इतना सारा सामान मिक्सी वगैरह सब कुछ रखा जो होता ही है किचन में ऑब्वियस ही बात है गैस भी है सब कुछ है <laughs> और एग्जस्टिंग फैन दब दब दब, क्या बोलते रहते मैं एग्जस्टिंग जो भी होता है यार मेरे ना टंग स्लिप हो रही है सॉरी और उसके बाद यहाँ से जाएंगे वापस ये दिखाई दे रहा डोर ये आ गया भैया का रूम यहाँ मेरा भैया और कज़न रहता है और ये है एक सोफ़ा ये डिफरेंट डिफरेंट कलर से मैंने सजाया है इसको ये गंद पाया था लड़कों ने पते आप लोगों को तो मैंने नहीं समेटा ये मेरी ट्रॉफ़ी है कॉलेज की ये भी ये भी तीन ट्रॉफीज है मेरे पास ये बुक है परे वन रक्षक ये अलमारी है भैया और कज़न के कपड़े रहते हैं इसमें और ये मेरे है एक्सेसरीज़ है यहाँ पर और मेरी बुक्स है बुक्स तो क्या है? हाँ नोटबुक जैसी ऐसी थोड़ी सी पढ़ाई के लिए और ये मेरे कपड़े <laughs> ये मेरी है आपको पता है लड़कियों के पास कपड़े तो होते हैं इतने तो सारे और अब हम जाएंगे गैलरी मेरा फेवरेट प्लेस है ये मतलब तो मुझे बहुत अच्छा लगता है मैं जब सुबह उठती हूँ तो मैं यहाँ पर मेडिटेशन ज़रूर करती हूँ बहुत पीसफुल है जहाँ मैं रहती हूँ वो बहुत पीसफुल जगह है शांति ही शांति है ये देखो सामने कितना अच्छा नज़ारा दिखता है यहाँ से यहाँ पर चौबीसों घंटे हवा हाँ लगी रहती है और इतनी शांति रहती है चारों ओर ये शीशे की वो लगी है चारों ओर शीशे लगे हैं विंडोज़ और इस तरफ को भी है कपड़े डालने के लिए अब तो बरसात आज आने वाली है मतलब आ ही गई है शिमला में तो सूखते ही नहीं है कपड़े और ये कुछ हरा भरा नज़ारा है ऐसा तो मुझे बताना कैसा लगा आपको मेरा छोटू सा घर इतनी सी ही वीडियो थी अगर आपको पसंद आई होगी तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करे शेयर करे कॉमेंट करे और साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे हाँ एक और चीज़ अगर आपको थोड़ी बहुत ही मेरी वीडियो ये मेरी मेहनत है मैं चाह अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी बहुत ही पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा जरूरत है फैमिली सपोर्ट तो मुझे मिल ही रहा है अपने मम्मी पापा से पर आप लोगों से भी मैं इतनी सी गुजारिश है मेरी कि मेरी वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए आई नीड योर सपोर्ट प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ और बस कल मैं फिर से आऊँगी नई वीडियोस के साथ नए नई वीडियो के साथ और नए आइडियाज़ के साथ चलो ठीक है फिर बाय बाय